कि ऑप्टिक्स को जो है कितने भागों में बांटा गया है, ऑप्टिक्स क्या है, इसके अंतर्गत हम किन किन बातों को डील करते हैं, इन तमाम बातों को हम लोगों ने देखा है। सबसे पहले एक बार हम तुमको रिव्यू करा देना चाहते हैं फिर से, ठीक ना। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स है क्या? तो ऑप्टिक्स जो है फिजिक्स का एक भाग है, ये तो क्लियर है, सब लोग जान रहा है, जिसके अंतर्गत हम चार बातों को पढ़ते हैं। कितने बातों को पढ़ते हैं बाबू? चार बातों को। पहला, लाइट के बारे में, किसके बारे में? दूसरा, लाइट के सोर्स के बारे में, लाइट के। तीसरा, लाइट के नेचर के बारे में। तीसरा और चौथा, लाइट के इफेक्ट के बारे में, लाइट के इफेक्ट के बारे में। इन चार चीजों को हम लोग देखते हैं ऑप्टिक्स के अंतर्गत। बात समझ में आ रही है? पहला, लाइट क्या है। दूसरा, लाइट की उत्पत्ति कहां से हुई है। तीसरा, लाइट का नेचर क्या है, कैसा इसका नेचर है। और चौथा, लाइट का इफेक्ट क्या क्या है। और लाइट के इफेक्ट को तो यह सर्वविदित है कि लाइट का इफेक्ट कितना व्यापक है। तो सवाल है कि जब लाइट का इफेक्ट इतना व्यापक है, लाइट का प्रभाव हमारे जीवन में जब बहुत ज्यादा है, इसका मतलब है कि यह ऑप्टिक्स एक बड़ा टॉपिक होगा। क्या होगा? तो इसलिए सुविधा के लिए क्या किया गया बाबू, ऑप्टिक्स को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। किस आधार पर बांटा गया? तो जो इफेक्ट है उसका, जो प्रभाव है उसका लाइट का, उसके सिंप्लिसिटी के आधार पर। किसके आधार पर ऑप्टिक्स का विभाजन किया गया? जो घटना ऑप्टिक्स लाइट के द्वारा हो रही है, उसके आधार पर ऑप्टिक्स को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। पहला क्या? पहला ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहलाया। क्या कहलाया? और दूसरा कहलाया फिजिकल ऑप्टिक्स। दूसरा क्या कहलाया? फिजिकल ऑप्टिक्स। अब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या है? तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लोगों ने देखा है कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स का एक ऐसा भाग है जिसके अंतर्गत हम लोग केवल उन घटनाओं का ही अध्ययन करेंगे, वैसे ही घटनाओं को हम लोग देखेंगे जिसको सिंपल फैक्ट्स के आधार पर हम लोग समझ सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक ना। जैसे हमने आपको उदाहरण के लिए बताया था प्रतिबिंब का बनना। क्या? प्रतिबिंब का बनना। तो प्रतिबिंब के बनने की घटना को देखने के लिए आपको कोई प्रयोगशाला की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है? सिंपली एक मिरर के सामने खड़ा हो जाना है। सिंपली क्या करना है? मिरर के सामने खड़ा हो जाना है। बाकी काम मिरर अपने आप कर लेगा। बाकी काम मिरर अपने आप कर लेगा। वो आपको तुरंत आपका प्रतिबिंब दिखा देगा, तुरंत आपको प्रतिबिंब आपको दिखा देगा आपका। तो ये सिंपल फैक्ट्स हो गया। जैसे किसी छड़ को आप लीजिए और पानी में डाल दीजिए। क्या कीजिए? पानी में डाल दीजिए। तो आपको छड़ जो है ना अपने आप मुड़ा हुआ प्रतीत होगा। छड़ आपको क्या लगेगा? कि मुड़ा हुआ है, छड़ हल्का मुड़ गया है। उसमें आप कुछ नहीं किए हैं, आप कुछ नहीं किए हैं। जो काम किया है वो कौन किया है? छड़ किया है, पानी किया है। आप केवल देखे हैं। तो यहां पर आप समझ रहे हैं कि यहां अपवर्तन की प्रक्रिया हो रही है, रिफ्रैक्शन की प्रक्रिया हो रही है, और इसी वजह से जो है छड़ क्या हो गया है? मुड़ गया है। तो ये सिंपल फैक्ट्स हो गया। क्या हो गया? ये सिंपल फैक्ट्स। तो इस तरह की तमाम घटनाओं का अध्ययन हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में करेंगे, जो केवल और केवल सिंपल फैक्ट्स के आधार पर व्याख्यायित हो, जिसका व्याख्या हम प्रयोग में जाकर हमको करने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक ना। जबकि दूसरी ओर हम देखते हैं कि लाइट के द्वारा बहुत सी ऐसी भी घटनाएं होती हैं जिसके व्याख्या के लिए हमको प्रयोगशाला में जाना ही पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? सिंपल फैक्ट्स के आधार पर उस पर हम लोग विचार विमर्श नहीं कर सकते हैं। जैसे आपको हमने बताया था तीन चार घटना, जैसे इंटरफेरेंस। क्या? इंटरफेरेंस। हिंदी में इसको कहा जाता है व्यतिकरण। क्या कहा जाता है? दूसरा मैंने आपको बताया था डिफ्रैक्शन। क्या बताया था? इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं विवर्तन। क्या कहते हैं? और तीसरा मैंने आपको बताया था पोलराइजेशन। क्या बताया था? पोलराइजेशन। इन तम और भी बहुत सी घटनाएं हैं जिसको हम लोग आगे चैप्टर में डील करेंगे। नहीं, ऑप्टिक्स एक बड़ा चैप्टर है। क्या है? बड़ा चैप्टर है।
इसलिए थोड़ा थोड़ा समझ बेसिक में ही जान लेना बहुत जरूरी है कि आखिर हम किससे किससे हमको आगे फैमिलियर होना है, ये समझ लेना बिल्कुल जरूरी है। बात समझ रहे हो? तो जैसे इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस में भाई क्या होता है कि सिंपल फैक्ट्स के आधार पर हम इसका व्याख्या नहीं कर पाएंगे। तो एक्चुअली इंटरफेरेंस का मतलब होता है वेव का मिलन। इंटरफेरेंस का सिंपल अर्थ क्या हुआ? तो चूंकि यहां वेव के बारे में हम स्टडी करेंगे, लाइट के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, तो यहां पर दो वेव या दो से अधिक वेव का आपस में मिलना यही क्या कहलाता है? इंटरफेरेंस कहलाता है। तो इस इंटरफेरेंस की प्रक्रिया को हम साधारण तरीके से नहीं देख पाएंगे, साधारण तरीके से इसको देखने के लिए हमको कहां जाना पड़ेगा? प्रयोग में जाना, प्रयोग करना पड़ेगा। कहां क्या करना पड़ेगा? प्रयोग करना पड़ेगा। और एक बात और, ऐसा नहीं कि आज ही हम इंटरफेरेंस पर कोई प्रयोग कर लिए हैं तो फिर थोड़ा सा कुछ डिफरेंट टाइप का अगर वेव आ गया तो उसी प्रयोग से मेरा काम चल जाएगा, नहीं। फिर से हमको प्रयोग करना होगा, फिर से हमको देखना होगा क्या उसकी इंटेंसिटी हुई है, क्या जो है क्या उसका पोजीशन हो रहा है। इन बातों को फिर से हमको प्रयोग के द्वारा ही देखना पड़ेगा। उसी तरह से डिफ्रैक्शन की प्रक्रिया है, उसी तरह से पोलराइजेशन की प्रक्रिया है। आगे हम लोग इसको डील भी करेंगे, हमको लगता है कि एक दो दिन में हम लोग वहां तक पहुंच भी जाएंगे, ठीक ना, जैसे ही फिजिकल ऑप्टिक्स हम लोग शुरू करेंगे। तो पोलराइजेशन हो या डिफ्रैक्शन की प्रक्रिया हो, इसमें हम लोग जो है मजबूरी हमारी हो जाएगी, नहीं चाहकर भी हमको प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक ना। तो कहने का मेरा मतलब है यहां पर सिंपल फैक्ट से काम चलने वाला नहीं है, इसलिए ऐसे घटनाओं को जिसको सिंपल फैक्ट्स के आधार पर हम व्याख्यायित नहीं कर पाते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल ऑप्टिक्स के अंतर्गत रखते हैं। इसको कहां रखते हैं? फिजिकल ऑप्टिक्स के अंतर्गत रखते हैं। अब जरा देखिए, फिजिकल ऑप्टिक्स में भी बहुत टाइप है। मान लीजिए हमको वेव से रिलेटेड कोई अध्ययन करना है तो उस दौरान फिजिकल ऑप्टिक्स का जो वो भाग होगा वो कहलाएगा वेव ऑप्टिक्स। क्या कहलाएगा? अब मान लीजिए हमको जो है लाइट को क्वांटा के रूप में स्टडी करना है, क्वांटा मान के, फोटोन मान के, तो इस दौरान जो हमारा ऑप्टिक्स फिजिकल ऑप्टिक्स होगा वो क्वांटम ऑप्टिक्स होगा। क्या होगा? इसी तरह से जब हम लेजर से संबंधित बातों का अध्ययन करेंगे तो वो लेजर ऑप्टिक्स होगा। क्या होगा? फिर जब हम फाइबर से संबंधित बातों का अध्ययन करेंगे तो वो फाइबर ऑप्टिक्स होगा। और इसी तरह से जब हम लोग केबल से रिलेटेड बातों का अध्ययन करेंगे जिसमें लाइट से संबंधित बात होगी तो वह केबल ऑप्टिक्स कहलाएगा। लेकिन मेनली अगर पूछा जाए कि ऑप्टिक्स को कितने भागों में बांटा जाएगा तो मेनली कितना? दो। कितना रे? ठीक है, कौन कौन? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और फिजिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और फिर हम आपको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बारे में एक चीज और बताएं कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लाइट को क्या मानते हैं? तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लाइट को रे के रूप में देखते हैं। किसके रूप में देखते हैं? रे के रूप में देखते हैं, किरण के रूप में देखते हैं, जिसमें हमने आपको दो बात बताया था। हम ये आपको बताए थे, जरा से यहां ध्यान दीजिएगा कि लाइट को जब आइडियल केस में हम लोग देखते हैं तो हमारा रे ये होता है। क्या होता है? रे ये होता है। और प्रैक्टिकली अगर हम देखते हैं तो रे ऐसा होना चाहिए, रियल में रे ऐसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसा रे होगा तो इसका मतलब है कि लैम्डा जीरो होगा। लैम्डा क्या होगा? जबकि होता नहीं है। लैम्डा जीरो होता है क्या लाइट का? कितना होता है वेवलेंथ? 4000 एंगस्ट्रम से 7000 एंगस्ट्रम के बीच होता है। 4000 एंगस्ट्रम से 7000 एंगस्ट्रम के बीच होता है। तो यहां पर लैम्डा के जीरो होने का कोई सवाल है ही नहीं। इसका मतलब जरूर रे ऐसा नहीं होता होगा, रे ऐसा नहीं होता होगा। लेकिन हम लोग पढ़ने के लिए इस तरह का रे मान लेते हैं कि हमको ज्यादा परेशानी नहीं हो। ऐसे भी हम मानव में एक गुण होता है कि आसानी जो हो उसी को हम एडॉप्ट करते हैं। नहीं, जो चीज सिंपल होता है उस पर जो है हम पूरा प्रहार करते हैं, और कठिनाई के समय जो है हम लोग भाग जाते हैं। पूरे भारत में बिहार एक राज्य है जहां की कठिनाई के समय भी लोग डटे रहता है। नहीं जी, आ जाओ। तो आइडियल केस में हम लोग रे को कैसे देखेंगे? तो आइडियल केस में हम लोग रे को ऐसे देखेंगे जो कि वास्तव में सही
नहीं है, आपने टेंथ में ऐसा ही रेप पढ़ा है, पढ़ा है ना, लेकिन आपकी मजबूरी है, वहां आपको नहीं बताया गया होगा। तो यहां हम आपको बता रहे हैं कि ये रेप गलत है, लेकिन गलत है तब भी ऐसे ही पढ़ेंगे हम लोग भी आगे, ठीक ना, क्योंकि ऐसा बनाना आसानी होगा। और कोई पूछेगा कि क्यों भाई ऐसा रे क्यों नहीं होगा, तो तुरंत जवाब देना है कि अगर ऐसा रे होगा तो कहां है क्रिस्ट, ऐसा रे है कहां है ट्रफ, क्योंकि हम जानते हैं कि शीर्ष और गर्त कोई के सिर दो क्रमागत शीर्ष के बीच की दूरी को ही हम वेवलेंथ कहेंगे, दो क्रमागत गर्त के बीच की ही दूरी को वेवलेंथ कहेंगे। इसका मतलब यहां लाइट में ना तो शीर्ष है और ना ही गर्त है, जबकि ऑलरेडी हमको पता है कि हर वेव में शीर्ष भी होगा और गर्त भी होगा, शीर्ष भी होगा और क्रिस्ट भी होगा और ट्रफ भी होगा। और हम लोग ऑलरेडी ये जानते हैं कि लाइट वेव नेचर को भी शो करता है। किस वैज्ञानिक ने बताया था कि लाइट वेव है? सबसे पहले जो है हाइजन नाम के वैज्ञानिक ने बताया था कि लाइट क्या है, वेव है। कैसा वेव है? मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव किसको कहते हैं? वैसा वेव जिसको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। और मैक्सवेल ने फिर क्या बताया कि नहीं भाई ये नॉन मैकेनिकल वेव है। क्या है? नॉन मैकेनिकल वेव है। तो आखिर किसी भी तरह का वेव तो है ना, तो जब वेव है तो इसका बिल्कुल वेवलेंथ होगा, और वेवलेंथ होता भी है, सर्वमान्य भी है, 4000 एंगस्ट्रम से 7000 एंगस्ट्रम के बीच। इसका मतलब है कि ये लैम्डा जीरो तो एग्जैक्ट बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, कल हमने ये जरूर देखा कि 4000 एंगस्ट्रम मतलब बहुत कम, 4000 एंगस्ट्रम मतलब बहुत कम, 7000 एंगस्ट्रम मतलब बहुत कम, मतलब लैम्डा का मान लगभग जीरो हम कह सकते हैं, लैम्डा का मान लगभग जीरो कह सकते हैं। जीरो और लगभग जीरो में फर्क होता है। इसका मतलब है कि जब भी रे होगा इस तरह का होगा, जब भी रे होगा इस तरह का होगा। आप एकदम इस बात को याद रखिएगा, प्रैक्टिकल फॉर्म में जो है रे ऐसा होगा और आइडियल फॉर्म में रे कैसा होगा। ये आ सकता है ऑप्शन में कि निम्न में रे को किस रूप में आप दिखाएंगे, तो एक आपका ये भी रहेगा, एक आपका ये भी रहेगा, ठीक है, दोनों कह देगा, नन कह देगा, हो सकता है दे दे, बिहार बोर्ड का क्या भरोसा, बिहार बोर्ड तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन देता है जिस पर कि टेंथ का भी लड़का बना देगा। एक चीज हम तुमको कहना चाहेंगे छोटू, अगर भविष्य को टारगेट करके तुम पढ़ रहे हो तो केवल इस बिहार बोर्ड के भरोसे मत सोए रहो, नहीं तो तुमको बहुत बहुत सुता देगा, ऐसा गहरा नींद में सुला देगा ना कि तुम कहीं के नहीं रहोगे, कोई लेवल ही नहीं बचा है बिहार बोर्ड का। इतना आसान आसान क्वेश्चन कहा नहीं जा सकता है, इसलिए लेवल को हमेशा बढ़ाइए, लेवल को बढ़ाइए। कभी भी बोर्ड, केवल बोर्ड की ही आप तैयारी मत कीजिए, बोर्ड के साथ साथ जेई मेन को टारगेट लेकर चलिए, बोर्ड के साथ साथ मेडिकल को टारगेट लेकर चलिए। और जितना कॉपी में पढ़ा देते हैं उसको बार बार पढ़िए। हम बार बार कहते हैं कि कॉपी में जितना चीज पढ़ा है एक एक लाइन उसको रट जाइए, घोट जाइए, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। ये हम नहीं, मेरा 11 साल का अनुभव बोल रहा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतना बात हम लोग देख चुके थे, फिर हमने रे के बारे में देखा कि रे क्या है। तो हमने देखा कि रे लाइट का वैसा पाथ है जिससे होकर लाइट एनर्जी के रूप में गति करता है। मतलब रे क्या है? रे पाथ है। कैसा पाथ है? तो वैसा पाथ है जिससे होकर लाइट एनर्जी के रूप में गति करेगा। किसके रूप में गति करेगा? एनर्जी के रूप में। फिर हमने आपको बताया था, आप भी कॉपी देखते रहिए कि ये सब बात बताए हैं ना, जल्दी जल्दी देखो। फिर हमने आपको बताया था कि बीम क्या है। तो हमने आपको बताया कि जब बहुत सारे एक साथ उपस्थित हो जाए तो उसको हम लोग बीम कहते हैं। क्या कहते हैं? बीम कहते हैं। फिर बीम को हम लोग तीन भाग में बांटे थे, देखते चलिएगा। पहला हमने आपको बताया था पैरेलल बीम। क्या बताया था? पैरेलल बीम। उसमें जरा सा देखो हम क्या बताए हैं, फिगर को देखो। वैसा बीम जिसमें प्रत्येक लाइट रे एक दूसरे के पैरेलल होगा, प्रत्येक लाइट रे एक दूसरे के पैरेलल होगा, उसको हम लोग कहेंगे पैरेलल बीम। क्या कहेंगे? पैरेलल बीम। दूसरा क्या?
दूसरा हमारा था कन्वर्जेंट बीम। क्या था? कन्वर्जेंट बीम। कन्वर्जेंट बीम हम लोग किसको बोले थे? ठीक है, उसका हिंदी नहीं बोलना है, कन्वर्जेंट बीम बोले किसको हैं, कहते किसको हैं। तो वैसा बीम जिसमें एक ही पॉइंट से लाइट रे निकलती है या निकलती हुई प्रतीत होती है, सॉरी डाइवर्जेंट बीम हम ये बोल रहे हैं। डाइवर्जेंट बीम क्या है? तो वैसा बीम जिसका प्रत्येक रे एक ही पॉइंट से निकलता है या निकलता हुआ प्रतीत होता है, मतलब उसमें ओरिजिनेटिंग पॉइंट एक ही है। ओरिजिनेटिंग पॉइंट क्या है? एक ही है। जैसे मान लीजिए पैरेलल बीम, तो पैरेलल बीम हमारा क्या हो गया? ये हो गया पैरेलल बीम। फिगर में हम लोग देखे भी थे, तुम लोग भी कॉपी में देखो। फिर हमने क्या देखा कि डाइवर्जेंट बीम, तो डाइवर्जेंट बीम में क्या बोले हैं कि एक ही पॉइंट हो जिससे होकर या तो निकलता हो या निकलता हुआ प्रतीत हो रहा हो। तो अगर ये है तो यहां देखो एक ही पॉइंट से निकल रहा है, तो ये हो गया डाइवर्जेंट बीम। क्या हो गया? और दूसरा हम बोले थे कन्वर्जेंट बीम। क्या बोले थे? कन्वर्जेंट बीम। कन्वर्जेंट बीम में हम क्या बताए हैं कि एक ही पॉइंट पर आएगा, एक ही पॉइंट पर क्या होगा? आएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे कन्वर्जेंट बीम। फिर से देख लीजिए, ये हमारा कैसा बीम है? पैरेलल बीम है। हम नहीं बोलेंगे, तुम ही लोग बोलो, ये कैसा है? डाइवर्जेंट बीम। क्या है ये? डाइवर्जेंट बीम। और ये हमारा क्या है? ये हमारा है कन्वर्जेंट बीम। कैसा बीम है? कन्वर्जेंट बीम है। इतना बात हम लोग देख चुके थे। ऐसे ये सब कोई जरूरी नहीं है, लेकिन बेसिक जानना जरूरी है। ठीक है, याद रखना ये सब तुम्हारे जेई मेन वगैरह में नहीं पूछने वाला है, लेकिन आगे के कॉन्सेप्ट के लिए, आगे समझ को बढ़ाने के लिए जरूरी है। क्योंकि लाइट एक थोड़ा दूसरे तरह का चैप्टर है, इसके क्वेश्चन को आप बिना फिगर के सॉल्व नहीं कर सकते हैं। चाहे वह जेई मेन में पूछा जा रहा हो, जेई एडवांस में पूछा जा रहा हो, नीट में पूछा जा रहा हो, कहीं भी पूछा जा रहा हो, अगर डायग्राम आपको बनाने नहीं आ रहा है तो ये क्वेश्चन यहाँ का क्वेश्चन आपसे बनने वाला नहीं है। इसलिए जरूरी है कि डायग्राम पर ज़्यादा जोर दिया जाए। ठीक है, अभी तो खैर शुरुआत है, तो अभी तो बहुत बेसिक बात हम देख रहे हैं। फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जरा सा देखिए, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स तो हमारा हो गया। एक बात और कभी कभी दिमाग में आता है कि हर चीज तो एक सिद्धांत पर आधारित है जी। जैसे मान लो तुम बाइक चलाते हो, तो बाइक का भी तो अपना एक सिद्धांत है चलने का। हमको तो बाइक चलाने नहीं आता है, इसलिए तुमको हम समझा भी नहीं सकते हैं। साइकिल, कैसे साइकिल चलाते हो? पहले जो है साइकिल घर से तुम निकाला, फिर तुम बैठा नहीं, फिर तुम धीरे धीरे पैडल मारा, साइकिल अपने अपने काम अपने से जो है आगे बढ़ने लगा। तो ये साइकिल का चलने का एक सिद्धांत है। क्या है? साइकिल के चलने का एक सिद्धांत नहीं है, ऐसे चला। अब देखो, तुम कभी कभी तुम देखता होगा घर में सिलाई मशीन वगैरह है, तो सिलाई मशीन के भी चलने का एक सिद्धांत है, एक उसी अनुसार वो चलेगा। पंखा के भी चलने का एक सिद्धांत है, जनरेटर के भी चलने का एक सिद्धांत है, ट्रांसफॉर्मर के चलने का भी एक सिद्धांत है, मनुष्य के भी चलने का एक सिद्धांत है। नहीं खाना मिलेगा, एक के सप्ताह में जो है लुढ़क जाएगा। ऐसे भी आदमी बहुत लुढ़क रहा है अभी, समझ रही हो ना? हाँ, इसलिए बच के संभल के खाना खाओ, भी पौष्टिक आहार, ठीक ना? तो जिस तरह से हर चीज के दिनचर्या का, हर चीज का, मनुष्य के भी का भी लिविंग स्टाइल है एक, पंखा का भी एक एज है, इसका एक सिद्धांत है चलने का, साइकिल का भी एक सिद्धांत है चलने का। छोटी छोटी बातों को दिमाग में रखकर, उदाहरण में रखकर साइंस को समझिए। साइंस जटिल नहीं है, इसको जटिल बना दिया गया है। साइंस को उदाहरण के द्वारा आप समझेंगे तो बहुत ही आसान आपको लगेगा, सिंपल आर्ट ये लगेगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं आपको लगेगा फिजिक्स, इससे ज़्यादा आर्ट से ज़्यादा आपको कुछ नहीं लगेगा केमिस्ट्री, आर्ट से ज़्यादा कुछ नहीं आपको बायो लगेगा। केवल तरीका होना चाहिए, और वही तरीका हमारा साइंस एकेडमी देता है। ठीक है, तो अब आइए इसको समझते हैं। ऑप्टिक्स में भी कुछ वैसा ही नियम होगा? बिल्कुल होगा। हर टॉपिक का अपना एक सिद्धांत है, हर चैप्टर का अपना एक सिद्धांत है।
तो यहां पर पूरे ऑप्टिक्स की बात को भी मैं नहीं, यहां पर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की मैं बात करता हूं कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी क्या किसी सिद्धांत से बंधा हुआ है? क्या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी किसी सिद्धांत पर आधारित है? तो बिल्कुल हां, बिल्कुल है। कितने सिद्धांत पर आधारित है? चार सिद्धांत पर आधारित है। कितने सिद्धांत पर आधारित है? चार। पहला रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, पहला रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, दूसरा इंडिपेंडेंस लॉ ऑफ लाइट, इंडिपेंडेंस लॉ ऑफ लाइट, तीसरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और चौथा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कितने सिद्धांत पर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है निर्भर कर आधारित है जी? चार। पहला रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, पहला रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, दूसरा इंडिपेंडेंस लॉ ऑफ लाइट, और तीसरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और चौथा। तो यहां पर अब हम लोग देखेंगे, तुम लोग तो लिखो तो जरा, जहां तक लिखे हो उसके बाद तीर लगाइएगा। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स निम्न चार सिद्धांत पर आधारित है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स निम्न चार सिद्धांत पर आधारित है। पहला नंबर लिखेगा रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। नंबर दूसरा लिखेगा इंडिपेंडेंस लॉ ऑफ लाइट, इंडिपेंडेंस लॉ ऑफ लाइट, और तीसरा लिखेगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और चौथा लिखेगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पहला रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, दूसरा इंडिपेंडेंस लॉ ऑफ लाइट, तीसरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और चौथा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, आप ए नंबर लिखकर डैश दीजिए, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। अब देखो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट का जो ये नियम है, ये कहता क्या है? सिंपल बात है, ये न्यूटन ने सबसे पहले हमको बता दिया था कि लाइट हमेशा सरल रेखा में ही गति करेगी, लाइट हमेशा सरल रेखा में ही गति करेगी। तो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन का नियम भी हमको यही बात बताता है कि लाइट जब भी गति करेगी हमेशा सरल रेखा में, हमेशा सरल रेखा में। लिखिएगा रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट के नियम के अनुसार लाइट रेज हमेशा ही स्ट्रेट लाइन के अलोंग गति करता है। क्लियर, तीर लगाइएगा। अब चूंकि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हम पढ़ रहे हैं तो हमने ऑलरेडी देख चुका है कि आइडियल केस में रे को क्या मानेंगे, स्ट्रेट लाइन के रूप में लेंगे, और प्रैक्टिकली रे को किस रूप में लेंगे, कर्व के रूप में लेंगे। आइडियल केस में रे को कैसे लिए थे हम लोग, और प्रैक्टिकली रे को कैसे लेंगे, एक्चुअल में होता कैसा है रे ऐसा, और ये आइडियल केस है। क्या है? तीर लगाकर लिखेगा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स ऐसे लिखोगे, देखो जिसको दिक्कत हो लिखने में बोलना, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आइडियल केस में रे को, आइडियल केस में रे को स्ट्रेट लाइन, रे को स्ट्रेट लाइन, रे को स्ट्रेट लाइन के रूप में, स्ट्रेट लाइन के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि आइडियल केस में लाइट का वेवलेंथ एग्जैक्ट जीरो मान लिया जाता है, एग्जैक्ट जीरो मान लिया जाता है, एग्जैक्ट जीरो मान लिया जाता है, एग्जैक्ट जीरो मान लिया जाता
है, फिर तीर लगाइएगा। अच्छा प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली एग्जैक्ट जीरो है क्या? नहीं, प्रैक्टिकली कितना है? 4000 एंगस्ट्रम से 7000 एंगस्ट्रम। तीर लगाइएगा, क्योंकि प्रैक्टिकली लाइट का वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रम से 4000 एंगस्ट्रम से 7000 एंगस्ट्रम के बीच, 4000 एंगस्ट्रम से 7000 एंगस्ट्रम के बीच पाया जाता है। अर्थात प्रैक्टिकली लाइट का वेवलेंथ एग्जैक्ट जीरो नहीं होता है। अतः ऐसी स्थिति में लाइट रे को कर्व के रूप में दर्शाते हैं, कर्व के रूप में दर्शाते हैं। अब दूसरा नंबर लिखिएगा, इंडिपेंडेंस लॉ ऑफ लाइट। इंडिपेंडेंस लॉ ऑफ लाइट, लाइट को समझने के लिए एक उदाहरण हम लेते हैं, ठीक है छोटू? ये लड़का, तुम खड़े हो जाओ बाबू, तुम भी खड़े हो जाओ, बहुत तुम हंस रहा है उस समय से। नहीं नहीं भाई, इसको इसको दो दो आदमी का काम है। ये लड़का इधर से आ रहा है और ये लड़का उधर से आ रहा है, ठीक है? ये किधर से आ रहा है? इधर से। और ये किधर से आ रहा है? उधर से। दोनों एक दूसरे को नहीं देख रहा है, दोनों एक दूसरे को नहीं देख रहा है। थोड़े देर के बाद दोनों टकरा जाता है। क्या होता है? टकराने के बाद क्या होगा? किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस पैदा होगा दोनों में, क्या होगा? या कोई डिस्टरबेंस नहीं, टकराने के बाद कोई पता ही नहीं चलेगा कि कौन किधर है, या कुछ डिस्टरबेंस डेवलप होगा? होगा, डिस्टरबेंस डेवलप होगा। इसको भी चोट लगेगा, इसको भी चोट लगेगा, ठीक ना? फिर उसी तरह से आप दोनों बैठ जाइए, दोनों का धन्यवाद। एक कार आ रही है उधर से और इधर से एक जो है, भागो भाग अभी, ठीक ना? तो एक कार आ रही है इधर से और एक ट्रक आ रही है इधर से, और दोनों में टक्कर हो गया। दोनों में क्या हो गया? टक्कर हो गया। तो टक्कर हो गया तो क्या होगा? कार एकदम ठीक ठाक रहेगा और ट्रक का चिथड़ा चिथड़ा उड़ जाएगा, यही होगा। क्या होगा? कार का भी हालत खराब और ट्रक के ड्राइवर का भी हालत खराब। नहीं, कहे कि अपने बिहार में कार एक जो है सोशल स्टेटस हो चुका है, जबकि हम वैल्यू नहीं देते हैं कार फार को। उपभोग सामान को हम बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देते हैं, ठीक है? तो यह भी बात है, औकात भी नहीं है कार खरीदने की, यह भी सच्चाई है। आइए, तो अब जो है, तो कार वाला जो है थोड़ा स्टेटस वाला हो जाता है। जिसके घर में एक कार हो गया, दो कार हो गया, उसको लोग समझने लगता है कि नहीं बड़ा आदमी है, जबकि ऐसा कोई बात नहीं है। बड़ा वही है जिसके पास दिल हो, बड़ा वही है जिसके पास मानवता हो, बड़ा वही है जो देश के लिए कुछ करने की क्षमता रखता हो, बड़ा वही है जिसके नाम से समाज जाना जाता हो। तो नाम के पीछे भागो, दिखावा के पीछे मत भागो, ठीक है? ये देखो, हम सोशल नॉलेज भी तुमको दे दिए इस साइंस के क्लास में। इंडिपेंडेंस लॉ को हम समझ रहे थे और दो उदाहरण हमने देखा। पहला उदाहरण हमने क्या देखा कि जब दो स्टूडेंट टकराया तो दोनों एक दूसरे से बाधित हो गया। एक कार और एक बस जब आपस में टकराई तो यहां पर भी क्या हो गया? दोनों बाधित हो गया, दोनों तनाव में आ गया, दोनों का मालिक भी तनाव में आ गया और ड्राइवर भी बेचारा तनाव में आ गया। जो मरा होगा सो मरा होगा, उसका बात छोड़ो, ठीक है? इतने जनसंख्या में कौन किसको बचा पाएगा? तो इंडिपेंडेंस लॉ ऑफ लाइट, तो हम कहना यह चाहते हैं कि जिस तरह से कार और बस में टक्कर हुआ, कार भी प्रभावित हो गया, बस भी प्रभावित हो गया, क्या जब दो रे आपस में टकराएगा, जब दो रे आपस में एक दूसरे को काटेगा, तो क्या यहां पर कोई बाधा उत्पन्न होगा? क्या यहां पर किसी तरह का डिस्टरबेंस पैदा होगा? मान लो एक और रे हम ले लेते हैं, ये तीसरा रे, ये पहला रे, ये दूसरा रे, तीसरा रे। जरा गौर से देखो, पहला रे कहां है? यहां है।
पहला रे दूसरे रे को यहां काट रहा है, पहला रे तीसरे रे को कहां काट रहा है, यहां। जरा ध्यान से समझोगे, पहला रे ये है, दूसरा रे ये है, तीसरा रे ये है। पहला नियम हमने क्या देखा कि लाइट रे हमेशा सरल रेखा में गति करेगी। तो यहां देखो, पहला सरल रेखा में गति कर रहा है, दूसरा सरल रेखा में गति कर रहा है, तीसरा सरल रेखा में गति कर रहा है, लेकिन इस बार एक दूसरे को काट रहा है, एक दूसरे को काट रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब काटेगा तो क्या जिस तरह वो दोनों लड़का टकराने के बाद बाधित हुआ, दोनों लड़का टकराने के बाद प्रभावित हुआ, क्या यहां भी पहला रे और दूसरा रे प्रभावित होगा? जिस तरह कार और बस एक दूसरे में टकराया, दोनों एक दूसरे से डिस्टर्ब हो गया टकराने के बाद, क्या यहां भी उस तरह का कुछ होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अभी तुरंत आपको हम बताने वाले हैं, यही इंडिपेंडेंस लॉ ऑफ लाइट है कि जब भी दो या दो से अधिक लाइट रेज एक दूसरे को काटती है, एक दूसरे को काटती है, तो कभी भी एक दूसरे के मार्ग को प्रभावित नहीं करती है, कभी भी एक दूसरे के मार्ग को प्रभावित नहीं करती है। यही लॉ क्या कहलाता है? इंडिपेंडेंस लॉ ऑफ लाइट। इंडिपेंडेंस लॉ ऑफ लाइट क्या कहता है कि जब भी दो या दो से अधिक लाइट रेज एक दूसरे को कट करेंगी, तो बिना दूसरे को प्रभावित किए और बिना अपने मार्ग को प्रभावित किए चुपचाप सीधी रेखा में गमन करेगी, यहां किसी तरह का कोई डेविएशन, किसी तरह का कोई विचलन पैदा नहीं होगा। सबसे पहले आप फिगर बना लीजिए। यहां पर इंडिपेंडेंस लॉ ऑफ लाइट क्या बताता है छोटू, कि जब भी दो या दो से अधिक लाइट रेज एक दूसरे को कट करेंगी, तो कभी भी एक रे दूसरे रे के मार्ग में कोई प्रभाव नहीं डालेगा। मतलब पहला रे अपने रास्ते चलता रहेगा, चाहे उसको कोई काटे, उससे लेना देना नहीं है। क्यों ऐसा होगा ये बात भी हम आपको बताएंगे, लेकिन थोड़ा अभी पहले इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। लिखिए, इंडिपेंडेंस लॉ ऑफ लाइट के नियम के अनुसार जब दो या दो से अधिक लाइट रेज एक दूसरे को कट करती है, तो बिना किसी डिस्टरबेंस के सरल रेखा में ही गति करते रहती है। अब ये नियम दे दिया गया, क्या हो गया? नियम दे दिया गया। तो अब सवाल है कि जैसे नियम अगर मिलेगा तो उसका सत्यापन भी तो होगा, तो इसके लिए प्रयोग शुरू हुआ। क्या हुआ? प्रयोग शुरू हुआ। तो प्रयोग के दौरान दो बात सामने आई, पहला बात ये सामने आया कि ये हर जगह लागू नहीं होगा, ये हर जगह लागू हर लाइट के वेवलेंथ के लिए ये पॉसिबल नहीं है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के हर रूप के लिए यह लागू नहीं होगा, यह केवल वैसे ही वेव के लिए लागू होगा जिसकी इंटेंसिटी एवरेज या कम होगी, उसी के लिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस लॉ ऑफ लाइट लागू होगा, उसी के लिए क्या होगा? इंडिपेंडेंस लॉ ऑफ लाइट लागू होगा। लेकिन यदि इंटेंसिटी ज्यादा है, क्या है? इंटेंसिटी अगर ज्यादा है, बहुत ज्यादा है या ज्यादा है, तो यहां पर भी इंडिपेंडेंस लॉ ऑफ लाइट का जो ये नियम है ये फ्लॉप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसे लेजर लाइट, क्या सुने होगे तुम लोग लेजर के बारे में? इसी तरह मेसर एक होता है, फिर एक्सरे, गामा रे, इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, क्या है? तो इंटेंसिटी ज्यादा होने के वजह से प्रयोग में यह देखा गया कि इंडिपेंडेंस लॉ का पालन ये नहीं कर पा रहा, जबकि वैसा ही लाइट या वैसा ही वेव केवल इंडिपेंडेंस लॉ का पालन कर पा रहा है जिसकी इंटेंसिटी या तो कम है या एवरेज में है, ना ही बहुत ज्यादा ना ही बहुत कम। तो पहला क्वेश्चन यहीं से तुमसे पूछा जाएगा, क्या यह यूनिवर्सल लॉ है? इज इंडिपेंडेंस लॉ एन यूनिवर्सल लॉ?
तो नहीं, ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है। क्यों नहीं है भाई? इसलिए नहीं है क्योंकि ये हर जगह लागू नहीं होता है, हर जगह लागू, ये हर जगह वैलिड नहीं होगा। तो कहां केवल वैलिड होगा? तो दो ही जगह पर वैलिड होगा। पहला, जब इंटेंसिटी कम हो, जब इंटेंसिटी एवरेज हो, जब इंटेंसिटी कम हो और जब इंटेंसिटी, लेकिन अगर वेव या लाइट का इंटेंसिटी ज्यादा है, क्या है, ज्यादा है, तो वहां ये इंडिपेंडेंस लॉ फ्लॉप हो जाएगा। वहां ये इंडिपेंडेंस लॉ, तीर लगाकर इस बात को लिख लीजिएगा, प्रयोग में यह पाया गया है कि इंडिपेंडेंस लॉ केवल कम या औसत इंटेंसिटी वाले, कम या औसत इंटेंसिटी वाले वेव के लिए ही, कम या औसत इंटेंसिटी वाले वेव, ब्रैकेट में लाइट भी लिख सकते हो, क्योंकि हम लोग समझ रहे हैं कि अब सब कुछ एक है, क्या है, हाँ, कम या औसत इंटेंसिटी वाले लाइट के लिए ही लागू होता है, ही लागू होता है। अब जरा सा देखो, कम या औसत इंटेंसिटी, तो कोई तुमसे पूछेगा ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लेजर लाइट का अध्ययन क्यों नहीं करते हैं? इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि लेजर लाइट इंडिपेंडेंस लॉ का पालन नहीं करता है। यहीं पर हम एक्सरे का अध्ययन क्यों नहीं कर लेते हैं जी, क्योंकि यह भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि एक्सरे की इंटेंसिटी भी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, और बहुत ज्यादा होने के कारण यह भी इंडिपेंडेंस लॉ का पालन नहीं करता है। इसी तरह से अल्ट्रावायलेट रे को हम लोग क्यों नहीं ऑप्टिक्स में ही देख लेते हैं, क्योंकि यह भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही रूप है। इसलिए नहीं देखते हैं क्योंकि यहां पर भी अल्ट्रावायलेट रे भी इंडिपेंडेंस लॉ का पालन नहीं करता है। ठीक है, तीर लगाकर लिखिएगा, यह इंडिपेंडेंस लॉ अधिक इंटेंसिटी वाले लाइट के लिए लागू नहीं होता है, होता है। लिखेगा, चूंकि लेजर लाइट, हां, चूंकि लेजर लाइट कॉमा मेसर लाइट कॉमा एक्स रे कॉमा गामा रे कॉमा अल्ट्रावायलेट रे, अल्ट्रावायलेट रे, अल्ट्रावायलेट रे की इंटेंसिटी, अल्ट्रावायलेट रे की इंटेंसिटी, अल्ट्रावायलेट रे की इंटेंसिटी काफी अधिक होती है, अतः इसके लिए इंडिपेंडेंस लॉ का नियम लागू नहीं होता है, और यही कारण है कि, और यही कारण है कि ऐसे हाई इंटेंसिटी वाले, और यही यही कारण है कि ऐसे हाई इंटेंसिटी वाले, और यही कारण है कि ऐसे हाई इंटेंसिटी वाले लाइट, हाई इंटेंसिटी वाले लाइट या वेव, वेव का अध्ययन, वेव का अध्ययन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंतर्गत, वेव का अध्ययन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंतर्गत, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंतर्गत नहीं किया जाता है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंतर्गत नहीं किया जाता है। नहीं तो कोई पूछ सकता है, सिंपल क्वेश्चन है ये, मान लो इंटरव्यू देने ही गए बड़े जगह, पूछ दिया कि अरे भाई लाइट का अध्ययन जब हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में करते हैं तो लेजर लाइट भी तो लाइट है, नहीं पूछ सकता है, क्यों नहीं तब इसको हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में ही पढ़ते हैं, क्यों इसको मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं,
तो यही जवाब देना है कि सर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में केवल लाइट का ही अध्ययन नहीं करते हैं, कि वैसे लाइट का अध्ययन करते हैं जिसकी इंटेंसिटी कम हो या एवरेज हो, कम हो या एवरेज हो, ज्यादा इंटेंसिटी वाले लाइट को हम लोग नहीं देखते हैं ऑप्टिक्स में। इसलिए नहीं देखते हैं क्योंकि यह इंडिपेंडेंस लॉ का पालन नहीं करता है। आज यहीं तक रहने दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, धन्यवाद।